जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। आज से ये नया सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, बिहार ग्रेजुएट लेवल SSC स्पेशल बैच के लिए आ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही आपको आज हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसकी फुल्ली डिटेल से आपको जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फुल्ली डिटेल से बताई जाएगी। और एक क्वेश्चन समझ लीजिए कम से कम 5 क्वेश्चन के बराबर होगा, एक एक ऑप्शन को हम समझाएंगे ताकि आपके उससे भी और ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन सके। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आपको सभी को पता है कि बिहार SSC का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में कर दिया गया है, तो इसलिए हमारे पास 1 महीना तैयारी का है। 1 महीना आप हमारे साथ बने रहिए जम करके, और अगर किसी अन्य प्रतियोगिता की भी तैयारी करें उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन खास करके हम बिहार के लिए लेकर आ रहे हैं स्पेशल रूप से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? आप सभी को पता है कि हमारा जो पंचायत है वो त्रिस्तरीय पंचायत होता है, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन सिंपल है कि किस राज्य में पंचायती राज नहीं है। तो पहले हम समझेंगे कि पंचायती राज क्या है, ठीक है? पंचायती राज की जो बात हो रही है वह क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो पंचायती राज की अगर हम बात करें, यह हमारे संविधान के भाग 9 में है। ये याद रखिएगा दोस्तों, यह हमारे संविधान के भाग 9 में है ना? कितने भाग में है? भाग 9 में हमारा पंचायती राज है। उसके बाद अगर अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद है आपका 243, यानी 243 अनुच्छेद में हमारे भाग 9 में इसे लिया गया है। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची जो है वह अनुसूची कितनी है दोस्तों? 11वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया है पंचायती राज को, भाग 9, 243 ये अनुच्छेद हो गया। और अनुसूची अगर पूछेगा आपसे तो 11वीं अनुसूची। अब इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की उस समय कार्यकाल थी, 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी के जयंती पर, यानी 1959 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में और कहाँ से हुआ था? याद रखिएगा राजस्थान में है ना, एक जिला है नागौर जिला है ना, राजस्थान के नागौर जिला से इन्हें क्या किया गया था? शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, है ना? किस भाग में है ये भाग तो अवश्य पूछता है दोस्तों, भाग 9 में है, अनुच्छेद 243, अनुसूची 11। अब बात आती है कि किस राज्य में नहीं है। तो दोस्तों हम पंचायती राज की अगर बात करें तो 3 राज्य में मुख्यतः पंचायती राज नहीं है, ठीक है? इस बार BPSC भी ये क्वेश्चन पूछी थी कि पहला है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो मेघालय, मेघालय में पंचायती राज नहीं है। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वह है मिजोरम, यानी इस 3 राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को होती है, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। अब अगर दोस्तों नागालैंड की बात है, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो सही है वो हमारा क्या है? नागालैंड है ना, नागालैंड में इसमें नहीं है। तो अगर हम नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है, ये भी हमें याद रखना होगा कि नागालैंड के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? नेफियो रियो। ये याद रखिएगा दोस्तों, नेफियो रियो जो है ये नागालैंड के क्या है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? और अगर राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है वह कौन है? तो राज्यपाल याद रखिएगा दोस्तों, जगदीश मुखी, ये जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं। जगदीश मुखी जो है ये यहाँ के राज्यपाल है, और नेफ्यू रियो कौन है? ये मुख्यमंत्री है। ये चीजें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज से और हमारे नागालैंड से भी, है ना? नागा जनजाति यहाँ पाई जाती है, ये चीज हमें याद रखना है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा कब भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल की गई थी? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI आप टिक कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? कि बिहार में जो मैथिली भाषा बोली जाती है, खासकर मैथिली क्षेत्र में, जो हमारा दरभंगा का क्षेत्र है ना, उसे हम मैथिली क्षेत्र कहते हैं। ये जो इलाका है, इस क्षेत्र में जो मैथिली भाषा बोली जाती है, इसे कब, किस वर्ष जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया? अगर हम संविधान की भाषा की बात करें, यहाँ दोस्तों एक वर्ड आया है भाषा, अगर हम संविधान की भाषा की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में टोटल कितने भाषा को अंगीकृत किया गया है? टोटल 22 भाषाएं हैं,
ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल जो भाषाएं हैं वह कितनी है, 22 भाषा है, ठीक है। 22 भाषा जो है वो हमारे संविधान में अंगीकृत है। अब दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, 22 भाषा जो है इसमें शुरुआत में अगर हम बात करें तो शुरुआत में सिर्फ 14 भाषाएं थी। शुरुआत में जब अगर हम बात करें तो शुरुआत में सिर्फ कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब हमारे संविधान में मात्र कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ये किमी अनुसूची में है तो हम कहेंगे 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में ये हमारी भाषा है, 22 भाषाओं का जिक्र है। शुरुआत में मात्र 14 भाषा थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है ना, सबसे पहले आया 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसमें क्या किया गया कि एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये याद रखेगा है ना। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या हुआ, हमारे संविधान में चार भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, 2003। अगर आपसे पूछेगा किस कमी अनुसूची में है तो हम कहेंगे 8वीं अनुसूची में यह हमारे भाषाओं, 22 भाषाओं का जिक्र है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और क्या है। तो देखिए आ ही गया स्लाइड में कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 21वां संविधान संशोधन है ना, ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन जो है वह हुआ था 1967 ईस्वी में, ठीक है। 1967 ईस्वी में इसमें एक भाषा को जोड़ा गया था और उस भाषा का नाम था सिंधी, है ना। भारतीय संविधान के में सिंधी भाषा को चुरा गया। उसके बाद अगर हम बात करें 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1992 में, ठीक है। इसमें हम तीन भाषा को जोड़ा गया था संविधान में। पहला था कोंकणी, ठीक है, दूसरा क्या था, मणिपुरी, दूसरा था दोस्तों मणिपुरी है ना, और तीसरा क्या था हमारा, नेपाली है ना, नेपाली। ये तीन भाषा को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसी के तहत हमारे चार भाषा संविधान के जो है वह जोड़े गए थे। कौन कौन जोड़े गए थे, सबसे पहला था बोडो, ठीक है, बोडो, दूसरा था डोगरी, डोगरी डोगरी, और तीसरा था आपका मैथिली। मैथिली जो थी हमारे जो दरभंगा महाराज की, दरभंगा के जो मैथिली लोग बोलते हैं मैथिली भाषा, और उसके बाद संथाली, है ना। ये चार भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया। शुरुआत में 14, ये सिंधी हो गया 15, 16, 17, 18 और 4 22, यानी टोटल 22 भाषाएं का जिक्र है हमारे संविधान में। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में डिडी त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार ना बड़ी फेमस होता है दोस्तों, बड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस राज्य में डिडी त्योहार मनाया जाता है, डिडी की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, डिडी त्योहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, डिडी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आ ही गया है। तो दोस्तों यहाँ एक महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा, तमलाडू महोत्सव, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही तमलाडू महोत्सव मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, तमलाडू महोत्सव, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इनके मुख्यमंत्री कौन है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इनके मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, पेमा खांडू, बीजेपी की सरकार है, ठीक है, पेमा खांडू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो राज्यपाल तो पता ही होगा, बीडी मिश्रा, ठीक है, बीडी मिश्रा जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं, बीडी मिश्र जो है ये यहाँ के राज्यपाल हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए कुछ त्यौहार और भी जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम और पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है, ये त्यौहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू त्यौहार, ये केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, केरल के सबरीमाला मंदिर जानते ही होंगे, बहुत फेमस है ये मंदिर, केरल के सबरीमाला मंदिर में इसे मनाया जाता है। अगर हम लोसांग की बात करें,
ना दोस्तों, लोसांग फेस्टिवल जो है वह सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में, और अगर हम लोसर की बात करें, ये दोनों अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। लोसर जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है ना दोस्तों, लोसर जो है ये लद्दाख में आपको मनाया जाता है, ठीक है। लोसर जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये फेस्टिवल याद रखिएगा दोस्तों, हॉर्नबिल, मकरविलक्कू, लोसांग फेस्टिवल जो है ये आपके इंपोर्टेंट है। अब देखिए आइए क्या दोस्तों, लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। लोसे लद्दाख। मधुकम्मा की बात करें दोस्तों, ये तेलंगाना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है मधुकम्मा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 ये पुदुचेरी में आयोजन किया गया था, पुदुचेरी में इसका आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव याद रखिएगा दोस्तों, 2022 ये हुआ था आपको राजमहेंद्र वरम में, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। राजमहेंद्र वरम में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों, राजमहेंद्र वरम में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 राजमहेंद्र वरम में, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये कुछ हो गए आपके महत्वपूर्ण त्योहार जो आपको याद रखने एग्जाम मोड पॉइंट व्यू से। तो चलिए फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड है ना, अगर हम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की बात करें, बिहार राज्य के संपर्क में, ठीक है, तो इसकी अगर हम स्थापना, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी है ना, 1948 ईस्वी के है ना अधिनियम के तहत। 1948 ईस्वी का अधिनियम याद रखिएगा, अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। 1948 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को है ना ये इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1958 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई थी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा 1948 ईस्वी का ये अधिनियम था, इसके तहत 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर हम इसके बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के मुख्यालय की अगर हम बात करें, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपको कहाँ है? पटना में, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? पटना में। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, ठीक है। तो ये अधिनियम भी पूछा है, हमने ऐसे नहीं कहा, ये अधिनियम भी पूछा है। अधिनियम हो गया आपका 1948 का अधिनियम, और कब हुई थी? 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही है वह कौन सा है? 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप याद रखिएगा कौन कौन सा मतलब अधिनियम था और कब इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, क्योंकि बिहार का है तो ये स्पेशल आपको याद रखना है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम 26 जुलाई की बात करें, तो 26 जुलाई को दोस्तों है ना कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कारगिल स्मृति दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। और अगर हम 27 जुलाई की बात करें, तो सीआरपीएफ की स्थापना दिवस, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? 27 जुलाई को है ना। अगर हम 22 मार्च की बात करें, सभी को पता होगा दोस्तों, 22 मार्च जो है हमारा जल संरक्षण दिवस, ये याद रखिएगा। जल संरक्षण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो ये तीनों आपको पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये तीनों याद रखिएगा। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई, और जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। ये तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और भी हम स्थापना दिवस लेके आएंगे, बस आप देखते रहिए। हमारे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है ना? विधि मतलब कानून दिवस है ना दोस्तों। तो राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर है ना 1949 ईस्वी को है ना क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारा जो संविधान है वह संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह क्या हुआ? लागू किया गया हमारा
हमारे संविधान को। याद रखिएगा 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू किया हमने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कितना इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए फिर अब देखते हैं 21 नवंबर। 21 नवंबर की अगर हम बात करें तो इसको मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टीवी दिवस जो है। टेलीविजन ये टीवी अलग है, ट्यूबरक्लोसिस पर अलग है दोस्तों। टीवी टेलीविजन दिवस जो है वो हम 21 नवंबर को मनाते हैं। अगर हम 17 नवंबर की बात करें तो 17 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस। ये याद रखिएगा विश्व विद्यार्थी दिवस जो है वो हम 17 नवंबर को मनाते हैं। उसके बाद है 20 नवंबर। 20 नवंबर को हम लोग मनाते हैं दोस्तों विश्व बाल दिवस। ये याद रखिएगा विश्व बाल दिवस जो है वो हम 20 नवंबर को मनाते हैं, है ना। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बाल दिवस। दोनों में यही अंतर है, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, और 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं। ये आपको यूएनओ के द्वारा किया गया था, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। और ये सभी को पता होगा जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं 14 नवंबर को। तो चलिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, है ना दोस्तों। ये ललित जी का यो ललित जो थे ये हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। डी वाई चंद्रचूड, ये याद रखिएगा दोस्तों, डी वाई चंद्रचूड जो है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, है ना। तो अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, इसकी जो शपथ दिलवाता है वो शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें शपथ दिलवाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। अगर 49वें की बात करें, 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जो मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे? वाई वाई ललित जो थे ये हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगर हम जगदीप धनखड़ की हम बात करें तो जगदीप धनखड़ जो है वो कौन है? आपको सभी को पता होगा हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये नंबर याद रखिएगा, ये तो सभी को पता होगा जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति है, लेकिन कैवे नंबर के हैं ये नहीं पता होगा। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये याद रखिएगा, 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये जो है ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और पहली महिला आदिवासी जो है, यानी कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी है, ये भी याद रखना है। अगर हम राजीव कुमार की बात करें तो राजीव कुमार जो है ये हमारे कौन है? 25वें जो है ये चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रपति संबंधी की 14वें उपराष्ट्रपति ही है जगदीप धनखड़, 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और 25वें चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। वाई वाई ललित जो है ये 49वें थे हमारे मुख्य न्यायाधीश, और 50वें कौन बने हैं? डी वाई चंद्रचूर, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आते हैं यूनेस्को। हमारा क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, है ना। अगर हम यूनेस्को की बात करें, है ना, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो ये क्या है? इसकी स्थापना होती है 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। इसकी स्थापना होती है, यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। और इसका जो मुख्यालय है, और मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, है ना। ये क्या देखता है? ये हमारे विश्व के जितने भी हेरिटेज साइटें हैं वो सारी चीज़ों को, यह धरोहर जो है वो सारी चीज़ों को ये देख रेख का काम करता है। पूरे विश्व के पर्यटन की भी देखभाल यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के किण्वन, याद रखिएगा ये ग्लूकोज का किण्वन कहा है, हमने ऑक्सीकरण नहीं कहा है, है ना, हमने ग्लूकोज का किण्वन कहा। ग्लूकोज किण्वन का मतलब क्या हुआ? जब ग्लूकोज जो है वह जीवाणु के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? ग्लूकोज जब जीवाणु के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब ग्लूकोज जीवाणु के साथ रिएक्शन करता है तो हम कहते हैं
कि जो हमारा C2H5 और OH जो है ये अपने साथ CO2 को बनाता है। ये जो C2H5OH जो है हम इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल कहते हैं C2H5 को। और ये जो है यही हमारे शरीर में जब हम ग्लूकोज और जीवाणु रिएक्शन करते हैं तो यही इथेनॉल बनता है। ठीक है, इस बार ये बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछी हुई थी कि ग्लूकोज का किण्वन से क्या बनता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण अगर हम बात करें कि जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सभी को पता होगा कि क्या क्या बनता है। CO2 बनता है, ऑक्सीकरण में जल बनता है और प्लस में ऊर्जा जो है ऊर्जा मुक्त होती है। और यही CO2 हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, कब, जब जब क्या हो, ऑक्सीकरण हो, यानी ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा कौन, ग्लूकोज, तब ये बनेगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का किण्वन अंतिम उत्पाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इथेनॉल C2H5 जो है ये इथेनॉल बनता है। CO2H2O कब बनेगा, जब उसका ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से जब वो ग्लूकोज रिएक्शन करेगी तब जाकर के ये बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठोदय होता है। तो याद रखिएगा जब ताप की वृद्धि होगी तो पृष्ठोदय क्या होगा, घटेगा। और एक केस में और होता है, जब डिटर्जेंट मिलाते हैं तो भी क्या होता है, इसका पृष्ठोदय जो है वह क्या होता है, घटता है ना। ताप की वृद्धि से पृष्ठोदय क्या होता है, घटता है। और या आप डिटर्जेंट अगर मिलाएंगे तो भी इसका पृष्ठोदय क्या होगा, घटेगा। तो दोस्तों ये आपकी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको ये अच्छे ढंग से बताया। आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।